नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं राहुल कमल। दिल्ली में रहने वाले हर शख्स की हसरत होती है उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, बड़े स्कूल में पढ़े। गरीबी और गुर्बत होनहारों की राह में रोड़ा ना बन पाए, इसलिए पब्लिक स्कूलों में EWS यानी गरीब तबके के लिए 25% सीट आरक्षित होती है। लेकिन इन सीटों पर भी धन्ना सेठों के बेटे दाखिला लेने में कामयाब हो जाते हैं। आज तक ने कैमरे पर ऐसे ही सफेद पोशों को पकड़ा है जो गरीब बच्चों के हक पर डाका डालते हैं। देखिए हमारा ये बड़ा खुलासा, ऑपरेशन एडमिशन। ये वो धन्ना सेठ हैं जिनकी आलीशान कोठियां हैं, करोड़ों की कार हैं, बेशुमार दौलत है, लेकिन ये गरीबों का हक मारने की कला में दौलत कमाने की कला से भी बढ़ चढ़ कर हैं। इन सब के बच्चे दिल्ली के स्कूलों में उन बच्चों के बदले पढ़ाई कर रहे हैं जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर मानकर रिजर्व कोटे में दाखिला दिया जाता है, यानी EWS कोटे से दाखिला पाने वालों के अधिकार बड़ी ही बेशर्मी से मारे जा रहे हैं। इस वक्त मैं पीतम पूरा में मौजूद हूँ और ये घर आप देख पा रहे हैं, ये आलीशान घर, करोड़ों की ये कोठी है, लेकिन यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं इनके, इन्होंने बाकायदा पीतमपुरा के एक नामी स्कूल विश्व भारती पब्लिक स्कूल में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी जो गरीब बच्चे होते हैं उनका फर्जी सर्टिफिकेट बना के बाकायदा एडमिशन लिया। जो बड़े बड़े नामी स्कूल होते हैं वहाँ पर जो गरीब बच्चों के लिए जो सीट होती है वो सीट पैसे से खरीद लेते हैं और मिली भगत होती है दलालों की। देश की राजधानी में नामी ग्रामी स्कूल किस तरह से शिक्षा के नाम पर दलाली का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये स्टिंग उसी का खुलासा करता है। पहले पीतमपुरा का ये आलीशान घर देखिए और फिर इस घर में रहने वालों की काली करतूत जानिए। जस्ट ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चे का एडमिशन हुआ और राजधानी के लिए पीतमपुरा में EWS कोटा के थ्रू? ये तो आपके लोगों को सब जब एड्रेस सब आपको पता है, मुझे नहीं सब पता है, तो फिर पूछने ही बेकार है कि आपका बच्चा पढ़ता है। मैं आपसे सब ये जाना, क्या ऑन कैमरा बात करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम आपको अगर इन्फॉर्मेशन, अगर जब स्कूल वाले जब सिग्नेचर करके हमें अगर दे रहे हैं स्लिप, मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर हम जब हमें स्कूल की तरफ से सिग्नेचर करके मिल गए प्रिंसिपल की, इसमें टीचर्स की गलती है, पेरेंट्स की 10%, पेरेंट्स हम मानते हैं कि पेरेंट्स की गलती है 10%। इस रैकेट में दिल्ली के पैसे वाले, दिल्ली में शिक्षा बांटने वाले और बिचौलिए तीनों शामिल हैं। एक वो जो किसी गरीब का हक मारता है, दूसरा वो जिसे गरीब को शिक्षा देने का आदेश सरकार की ओर से मिला है, तीसरा वो जो दलाली से इस घृणित काम को अंजाम दे रहा है। देखो जब दलाल ने अपना, तो बेटे का दोस्त है, बेटे की सुनवाई हो चुकी है वहाँ, वो जो दोस्त था ना, उस दोस्त ने नहीं बताया हमें कौन है, कहते मैं करवा रहा हूँ। जैसे बिल्कुल सगा दोस्त होता आदमी सोचता नहीं ना भाई, बहुत अच्छा क्लोज से 15-20 से जानने वाला, उसने कहा मैं करवाऊंगा, क्यों एडमिशन हमारा हुआ नहीं कहीं, तो कहते मैं करवा देता हूँ। तो हमने उसके थ्रू ही उसी को दिए थे, हमने तो उससे बात नहीं। कितने पैसे लिए आप लोग? 3 लाख। क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ है कि इस महिला ने आय का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और किसी गरीब के बच्चे की सीट पर अपने बच्चे की मुहर लगवा दी। अब खुलासा हुआ है तो हमारे सामने भड़क रही है। ये बाप सर, कितना इष्टम है, कितना इष्टम है। आपके बच्चे का एडमिशन हुआ EWS से, नकली एडमिशन। अरे मना दे रहा बेटा, मना नहीं दे रहा। लाखों लाख देकर शिक्षा ली जा रही है, लाखों लाख लेकर शिक्षा दी जा रही है और गरीब मारा जा रहा है। अभिभावक भी खुश, स्कूल के प्रिंसिपल भी खुश और दलाल तो खुश रहने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। इन साहब को देखिए, ये क्राइम ब्रांच से निकल रहे हैं, इन्होंने भी EWS के कोटे पर डाका डालकर अपने बच्चे को बिठाया, अब बोलती बंद है, अपनी बुजुर्गियत समझा रहे हैं।
जगवार गाड़ी में आपका बच्चा घूमता और EWS कोटे पे आपने एडमिशन कराया। मेरी 56 साल की उम्र है जी, मेरा 28 साल का बेटा है। मैं जांच में तो यही खुलासा हुआ ना, आप क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर क्यों निकल रहे हैं इस वक्त? कई काम होते हैं जी, बिजनेसमैन हूं। लेकिन आपके EWS कोटे के जरिए आप करोड़पति हैं और आपने एडमिशन कराया, अभी आप क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं सर। साहब के पास जगुआर गाड़ी है, लेकिन क्राइम ब्रांच तक आने के लिए दिल्ली की तिपहिया का सहारा लिया है। साहब आर्थिक रूप से कमजोर जो है, क्राइम ब्रांच में ऐसे तमाम लोगों का मजमा लगा रहता है। किसी ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाया है, तो किसी ने जुगाड़ लगाकर गरीब के बदले अपने बच्चे को स्कूल में बिठाया है। देश की राजधानी में दलाली की ये पाठशाला धड़ल्ले से चल रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त हमारे साथ खबरदार में जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे। आखिरकार आम आदमी पार्टी सरकार क्या करने वाली है इस घोटाले को रोकने के लिए? साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ हैं भारती पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर RC शेखर और हमारे संवाददाता अरविंद ओझा, जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक नज़र हम डालते हैं इस बात पर कि आखिरकार EWS होता क्या है। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, गरीब तबके के लिए 25% का आरक्षण, जिसे दिल्ली सरकार ने 2011 में एक नोटिफिकेशन के जरिए पास किया। ये उन लोगों के लिए है जो कम से कम 5 साल से दिल्ली में रहते हों और जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम हो, इनकी आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और कम से कम 5 साल से इनको दिल्ली में रहना चाहिए, सालाना आय 1 लाख रुपए से कम। यह है EWS स्कीम। लेकिन आपने देखा मर्सिडीज जैगुआर बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहने वाले, आलीशान बंगलों में रहने वाले करा चुके हैं अपना दाखिला EWS स्कीम के तहत। मैं अरविंद के पास आपको लिए चलता हूं। अरविंद, आपने स्टोरी पर नज़र डाली, 250 केस अब तक सामने आए हैं, लेकिन ये तो वो हैं जो कि तहकीकात में निकल के आए। क्या ये भी संभावना है कि इससे कहीं ज़्यादा लोग EWS में दाखिला लेके बैठे हैं और उनके बारे में जानकारी अभी बाहर निकली नहीं है? बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा, ऐसे कई ज़्यादा लोग हैं। अगर बात की जाए इस इन्वेस्टिगेशन की, 2014-15 जो साल में जो एडमिशन हुए उसमें 250, लेकिन ये आंकड़ा पार करता जा रहा है जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। कई ऐसे लोग हैं जो EWS कोटे पर एडमिशन करा चुके हैं। दिल्ली पुलिस को पुनीता नाम की जो महिला है उसकी तलाश है और जो सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि वो महिला पूरे दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं सब में उसने एडमिशन करवाया है और इस जो पूरा गैंग सक्रिय है उस गैंग की मेन सरगना है। फिलहाल वो फरार चल रही है, लेकिन अब ये और कई गिरफ्तारियां होने वाली है राहुल, कई बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से गिरफ्तारियां होंगी और जो सूत्र बता रहे हैं कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी गिरफ्तारियां होंगी। तहकीकात काफी आगे जाएगी, लेकिन अभी तक 250 का जो ये आंकड़ा है ये आंकड़ा काफी लंबा जाएगा। दिलीप पांडे, ये बताएं कि आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही है ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरीके से फर्जी दाखिले ना हो, अमीर लोग गरीबों का हक ना लूटें। आप क्यों नहीं ये अनिवार्य कर देते कि स्कूल ये देखें कि अगर कोई कह रहा है कि मैं किसी झुग्गी में रहता हूं तो वहीं पर रहता है या आलीशान बंगले में रहता है? बहुत शर्मनाक घटना है। अगर शिक्षा के स्तर को देखा जाए तो वो ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज स्थिति में है और ऐसी स्थिति में अगर एडमिशन ठीक से नहीं हो रहे हैं, इस पूरे मसले को राहुल भाई समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिहाज से अगर समस्या ठीक से समझी जाए तो आधा समाधान तो वहीं हो जाता है। हमारा मानना यह है कि 4 प्रमुख कारण हैं इन सारी कहानियों के पीछे और जो आपकी खोज निकल के आई है। सबसे पहला कारण है जागरूकता, अवेयरनेस। एक प्राइवेट NGO के सर्वे से पता चला है कि सिर्फ 3% पेरेंट्स जानते हैं EWS क्या होता है, EWS के बारे में उनके अधिकार क्षेत्र क्या क्या है, कैसे एडमिशन हो सकता है। सिर्फ 3% लोग जानते हैं, एक बात। दूसरी बात, सामाजिक सोच। एक सर्वे में यह भी पता चला है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही है ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये घोटाला बढ़े ना, अमीर लोग गरीबों का हक ना माने। आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या करेंगे आप सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरीके से चीजें आगे ना बढ़े। नहीं नहीं, थोड़ा धैर्य धारण करें इस समस्या। अगर आप चाहते हैं मैं सिर्फ समाधान की बात करूं, इसके कारण की बात ना करूं, तो मुझे लगेगा कि मैंने अन्याय किया अपने उत्तर के साथ। थोड़ा धैर्य रखते तो मैं वहीं तक पहुंचने वाला था। मैं बता रहा हूं आपको, मैं 4 कारणों की बात कर रहा था। दूसरा कारण सामाजिक सोच है, जिसमें यह सामने आया कि 43% फीस देकर पढ़ने वाले लोग ये मानते हैं कि जो वीकर सेक्शन के लोग स्कूल में आएंगे तो वो स्कूल को खराब करेंगे। तीसरी बात नेक्सस, और चौथी बात जो है वो ये है कि अच्छे स्कूलों की कमी। जो तीसरी और चौथी चीज है ये बड़े पैमाने पर निकल के आ रही है।
नेक्सस बहुत तेजी से काम कर रहा है दिल्ली के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के कोटे में एडमिशन कराने के लिए जो कार्यरत है। आप जिस अभी दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले जो एक बर्स्ट किया है रैकेट, मैं आपको बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के अंबेडकर नगर के विधायक अजय दत्त की पहल पर वो कार्रवाई हुई है और ये मसला निकल के आया है कि एक रैकेट है। अभी भी जो सवाल मैं पूछ रहा हूं दिलीप, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, मैं लौट रहा हूं आपके पास क्योंकि अगली रिपोर्ट में दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि दिल्ली के स्कूलों में आरक्षित सीटों पर कैसे कब्जा पाते हैं अमीर, कौन उन्हें दाखिले में मदद करता है, वो कौन है जो चुटकियों में उनके लिए फर्जी इनकम सर्टिफिकेट दिलाते हैं। देखिए दिल्ली में शिक्षा के दलाल कैसे इस काम को अंजाम देते हैं। दिल्ली के स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे पर कैसे पड़ जाती है काली नजर और कैसे करोड़पति लाखों देकर अपने बच्चों का दाखिला करा लेते हैं, कैसे शिक्षा के मंदिर से लेकर शहर की ऊंची इमारतों और दलालों की जमती है तिकड़ी, ये जानने की कोशिश आज तक ने की है। भ्रष्टाचार के भवन के हर कमरे को प्रकाश में लाने के लिए हम पहली सीढ़ी पर पहुंचे। आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हम पूर्वी दिल्ली के एसडीएम दफ्तर में खड़े हैं। हमने दलालों की तलाश शुरू की और वो तलाश जल्द ही पूरी हो गई। कहावत है खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। भागते भागते परेशान हो गया भाई साहब, एक सेकंड के 9891 9130 9194 9491 3091 94 9891 3091 94 फोन मत करना, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ सीधा। सेव कर लो इसे, जब ना मिले जब कर लो। यहाँ से बाहर निकलोगे तो मंदिर है, गोल चक्कर है यहाँ मेन रास्ते पे, तो जैसे ही पार करोगे मंदिर समुदाय भवन दिखेगा पहले तो, उसके बगल से रास्ता जा रहा मंदिर की वो दिखेगी बोझी, उसके साथ में पान की दुकान है, बस वही उम्र का वो ऑफिस है वहीं पे। कितना पैसा लेगा? वैसे वैसे वही बता देगा जो मैंने बताया, लम सामने इतना ही होगा। 2500 इनकम टैक्स वाला? हाँ इनकम वाला, इनकम सर्टिफिकेट दिखाइए। ठीक है। एसडीएम ऑफिस में मौजूद इस शख्स ने दलाल का जो पता दिया हम वहां जा पहुंचे। कहाँ का एड्रेस है आपका? मेरा शकरपुर का। शकरपुर का, इसके लिए एक आधार कार्ड दे दो, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बिजली का बिल और एक फोटो लगेगी आपको। हमारी फोटो ना? एक फोटो, एक आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र और बिजली का बिल। मकान अपने किराए का? तो बिजली का बिल चाहिए और रेंट एग्रीमेंट चाहिए। रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली का बिल दे दो, बिजली का बिल जरूरी है, एक हफ्ते में दे देंगे आपको प्रमोशन। क्या पैसे? 2000 रुपया एक हफ्ते में दे देंगे आपको। वैसे आप अप्लाई करोगे एक महीने से ऊपर लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा, 1.5 महीना मान के चलो आप अप्लाई करोगे, धीरे धीरे जमा होगा भाई। सुन लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट जो एसडीएम ऑफिस से बनता है उसे ये चुटकियों में बनवाने के दावे कर रहा है। अब ये बता रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए कौन से जरूरी कागजात चाहिए। करवा दो, एक फोटो, एक फोटो, एक आधार कार्ड, पहचान पत्र और बिजली का बिल की कॉपी। लेकिन दलाल के दिल में कमाई के अरमान जाग उठे हैं, इसलिए वो सुपर जुगाड़ का परिचय देते हुए कहता है कि सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस से चल पड़ेगी इनकम सर्टिफिकेट की गाड़ी, यानी छोड़िए बिजली का बिल और आधार कार्ड। अभी क्या चीज़ आपके पास? अभी है कोई डॉक्यूमेंट? पैन कार्ड है। ड्राइविंग लाइसेंस? पैन कार्ड।
चलो कल ला देना, ये फारम वारम भर के एफिडेविट वगैरह बना के साइन करके चले जाओ। इंक्वायरी भी नहीं होगी, इंक्वायरी भी यहीं पर करवा देंगे। दो हज़ार कुछ कर नहीं हो सकता। हफ्ते आपको हफ्ते में तो मिल जाएगा, आप कितने एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा? हाँ, इंक्वायरी भी यहीं पर करवा देंगे, पैसे लेके रूम देंगे, इंक्वायरी घर पर नहीं जाएगा जी। हम कुछ घर लेगा कोई हफ्ते हफ्ते आपको? नहीं, ये मैं वो लगवा दूंगा ना नंबर, तो कल आप डॉक्यूमेंट लाओगे जमा करवा दूंगा। ठीक है। बातचीत होने के दौरान हमने दलाल का आलिशान दफ्तर भी देखा। यही वो लोग हैं जो अमीरों की समस्या चट से सुलझा देते हैं। इनकी कृपा से फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है और इनकम सर्टिफिकेट बनते ही शिक्षा के मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन इस फर्जी सर्टिफिकेट की फांस में गरीब भी फंसता है। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हमारी मुलाकात इस शख्स से हो गई जो आर्थिक तौर पर कमजोर तो है, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर एडमिशन लेना इसे भारी पड़ गया। दलालों का संपर्क स्कूलों से होता है और स्कूल वाले उन परिवारों से संपर्क करते हैं जिनके बच्चों को दाखिला नहीं मिला होता है। लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट हाथ में आने के बाद सारी दुश्वारियां दूर हो जाती हैं। दलाल ऐसे दाखिलों के लिए 3 से 10 लाख रुपए तक लेते हैं। दिल्ली में ऐसे दलालों के दल हैं। उनके रहते क्या कोटा और क्या नियम कानून, यहाँ तो हर बात की काट है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। 10 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार हैं अमीर लोग, ये साबित करने के लिए कि दरअसल वो गरीब हैं। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। रविंदर यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, क्राइम इस पूरी तहकीकात पर इनकी नज़र है। यादव साहब, ये बताएं कि जिस मंशा के साथ, जिस इरादे के साथ ये EWS स्कीम शुरू की गई थी, लग रहा है कि वो पूरा इरादा धरा का धरा रह गया, अमीर लोग गरीब बनकर स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत ही लार्ज स्केल पे ये रैकेट चल रहा है और सबको पता था कि कुछ सालों से ये इसमें धांधली हो रही है, लेकिन कोई भी कंप्लेंट नहीं आ रही थी और कोई भी आगे सामने आने को शिकायत नहीं कर रहा था। तो हमने अपने सुओ मोटो एक्शन लिया और अपने आप हमने एक केस रजिस्टर करके इसमें इन्वेस्टिगेशन किया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो पता चला कि अभी तक कम से कम 250 फेक एडमिशन सर्टिफिकेट्स वगैरह हम अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और सारे के सारे प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं इसमें। नहीं तो ये बताएं कि क्या इस घोटाले में स्कूल जुड़े हुए हैं, क्या वो शामिल हैं, या आपको लगता है कि स्कूल का कोई रोल नहीं? क्योंकि कई स्कूलों से बातचीत, उन्होंने कहा हमें EWS का सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के हिसाब से हम दाखिला देते हैं, हमें क्या मालूम कि यह सर्टिफिकेट सही है गलत। देखिए, ये हमें केस टू केस देखना पड़ेगा कि कहाँ पे उनकी नेग्लिजेंस है, कहाँ पे उनकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है, या कहाँ पे वो मेयरली देवर बाईस्टैंडर्स और वो बेवकूफ़ बने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे बाल भारती स्कूल है अभी, उसके अंदर, उसके बिल्कुल सामने एक पॉश कॉलोनी है तरुण एनक्लेव। उस तरुण एनक्लेव के इतने सारे एडमिशन हैं, जबकि इट्स अ वेरी हाई सोसाइटी कॉलोनी जिसके अंदर एक एक फ्लैट करोड़ों रुपये का है। तो वहाँ के एड्रेसेस पे जब एडमिशन दिए जा रहे हैं, तो कोई भी आदमी थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाए तो वो देख सकता है कि तरुण एनक्लेव के इतने लोग जो कि इतने रिच हैं, उनको EWS में उस एड्रेस के बच्चे कैसे एडमिट हो रहे हैं। अपने आप भी वो दे शुड हैव टेकन, उनको ये देखना चाहिए कि भाई ये सर्वेंट क्वार्टर वाले बच्चे हैं या वहाँ पे कोई धोबी है, तो अलग बात है। यही सवाल यादव साहब, मैं आरसी शेखर से पूछना चाहता हूँ जो कि भारती पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, क्योंकि स्कूलों ने हमसे कहा कि हमें सर्टिफिकेट आता है, हम क्या जाने ये सर्टिफिकेट असली है या नकली। आपको नहीं लगता शेखर साहब स्कूलों की भी जिम्मेदारी है इस बात की तफ्तीश करना कि अगर कोई कह रहा है कि वो गरीब है, झुग्गी में रहता है, रहता भी है, या बड़ी बड़ी गाड़ी चलाता है, आलीशान बंगले में रहता है, स्कूल क्यों नहीं कुछ करते देखने के लिए क्या हो रहा है? सब अब यादव साहब ने आपको कुछ बताया है। मैं अपना जो पिछले 5 साल से जब से ये शुरू हुआ है, मैंने अपने लेवल पे एजुकेशन अफसर से लेके डायरेक्टर तक, पुलिस को नहीं इन्वॉल्व किया, लेकिन ये जो जहां से सर्टिफिकेट मिलता है, DC के अफसर, SDM के अफसर, तहसीलदार, जब ये बच्चे हमारे सामने आते हैं और हम उनका रहन सहन, वो कैसे छोड़े जाते हैं, कैसे स्कूल में आते हैं, 1500 रुपये वैन का दे सकते हैं लेकिन वो गरीब हैं,
बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और उनके माँ बाप जब हमारे सामने खड़े होते हैं, दो दो टेलीफोन लेके खड़े होते हैं और सोने से लथपथ होते हैं, तो हमारे टीचर कहते हैं सब ये किस तरह से EWS के हैं। जब हम कंप्लेंट करते हैं तो हमें आंसर ये मिलता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट है ना, आपको जब आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको किस चीज की चिंता है? नहीं, ये पर्याप्त जवाब नहीं है, क्योंकि स्कूलों की फिर जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस को शिकायत करें, शिक्षा विभाग को शिकायत करें, उन्हें ये जानकारी दें कि इसमें आपको घोटाला नजर आ रहा है, ताकि सरकार इसमें कोई कार्रवाई कर पाए। जहां से सर्टिफिकेट आया है वहां तक शिकायत की है कि ये कुछ धांधलेबाजी, क्योंकि नवंबर का महीना शुरू होते ही ये ऐसा एक एक्शन शुरू हो जाता है कि एवरीबॉडी बिकम्स वेरी एक्टिव। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे कि जब हमने स्कूल प्रिंसिपल से पूछा कि आपके स्कूल में इस तरह का रैकेट चल रहा है तो आपका क्या कहना है, उनके क्या रिएक्शंस आए, और साथ ही कौन है इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड, उस पर देखिए अरविंद की रिपोर्ट। एक वो कौन है जिसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लंबे समय से तलाश रही है, वो कौन है जो बड़े ही शातिर तरीके से एडमिशन के इस पूरे गड़बड़ झाले को अंजाम देता है। आपको हैरत होगी ये जानकर कि दिल्ली में दलाली कर एडमिशन दिलाने वाले सबसे चर्चित गिरोह का सरगना दरअसल एक महिला है जो पुलिस की पकड़ से दूर है। दिल्ली के जिन नामी गिरामी स्कूलों में दलाली का ये पाठ पढ़ाया जाता है, जिन स्कूलों में गरीब बच्चों का हक मारा जाता है, उनके नाम दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में है। खुलासे में जिन स्कूलों का नाम आया है वो इस तरह से है: DPS रोहिणी, DPS वसंत कुंज, DPS आर के पुरम, DPS मथुरा रोड, मॉडर्न स्कूल हुमायूं रोड, लैंसर्स कॉन्वेंट, रयान इंटरनेशनल, मॉन्टफोर्ड स्कूल, GD गोयनका स्कूल रोहिणी, विकास भारती रोहिणी, बाल भारती स्कूल पीतमपुरा, हेरिटेज स्कूल रोहिणी। दिल्ली के इन नामी स्कूलों में दाखिला दिलाने वाले कई गैंग यहां सक्रिय हैं। ऐसे ही कुछ दलालों को पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दबोचा है, लेकिन दिल्ली में दलाली की पाठशाला चलाने वाली सरगना एक महिला है जिसका नाम है पुनीता। पुनीता को पुलिस लंबे समय से खोज रही है लेकिन अब तक पकड़ने में नाकाम है। सूत्रों का कहना है कि पुनीता की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के कई और स्कूल और कई करोड़पति बेनकाब होंगे। पुनीता का एडमिशन करवाने का तरीका सबसे जुदा है। पुनीता एडमिशन के लिए भटक रहे परिवार वालों से 5 से 10 लाख रुपए तक लेती है। वो फर्जी पते पर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए EWS कोटे में कई स्कूलों में अप्लाई करती और जहां जहां स्कूलों में नाम आता वहां किसी दूसरे बच्चे का एडमिशन करवा देती। बाद में बच्चे का असली नाम और पता एफिडेविट के जरिए सही करवा दिया जाता। पुनीता पहले EWS कोटे से एडमिशन करवाती, बाद में जनरल कोटे में शिफ्ट करा देती। आइए देखते हैं कि इस पूरे रैकेट पर स्कूलों ने क्या प्रतिक्रिया दी, उनका क्या कहना है अपने बचाव। एवरी प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इज रिक्वायर्ड टू एडमिट 25% चिल्ड्रन फ्रॉम द EWS कैटेगरी एट द एंट्री लेवल। The meaning of the EWS as per the definition of the government is parents whose income is less than 1 lakh rupees per annum. So we have been following this and every year right since 2011 onwards we have been admitting the children in the school from the EWS category on the basis of two documents. Number one document, the income proof. And number two document is the residence proof. स्कूल कहते हैं कि अगर हमें सर्टिफिकेट मिले तो हम क्या जाने ये सर्टिफिकेट सही है या नहीं, इतना भर करने से नहीं होगा, स्कूलों की भी जिम्मेदारी है कि वो थोड़ी तहकीकात करें। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप देखिए विशेष।